राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम अपनी 25 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर दिनांक 12/9/2024 को विशाल रैली निकालकर सिविल लाइन फाटक पर करेंगे प्रदर्शन। संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक और मुख्य महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व प्रथम चरण में दिनांक 8/7/2024 को जिला मुख्यालयों पर राजस्थान के सभी जिलों में जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया था। देखिए, 25 सूत्री मांग पत्र हमने सरकार को प्रेषित किया था जुलाई के प्रारंभ में, और हमको ये आश्वासन दिया था कि इस पर जल्दी आप लोगों को बुला करके मीटिंग का आयोजन करेंगे, लेकिन वो मीटिंग किसी भी कारण से नहीं हो सकी। हमने विवश होकर के ये आंदोलन करने का निर्णय लिया है। 8 जुलाई को हमने सारे जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम से दिया गया था। उसके बाद में एक विधायकों को, माननीय विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन देना शुरू किया है 15 जुलाई से, तो जो 5 तक चलेगा, और 1 तारीख से हमारी जागृति यात्रा पूरे राजस्थान में हर जिले में जाएगी, और वहाँ के शिक्षकों को हम समझाने मांग पत्र भी समझाएंगे और अधिक से अधिक रैली में भाग लेने के लिए उनको आमंत्रित भी करेंगे। और 12 सितंबर को अपनी विशाल रैली जयपुर में आयोजित की जाएगी और सिविल लाइन फाटक पर हम प्रदर्शन करेंगे, और फिर भी नहीं मानते हैं तो उसके बाद में कोई नई घोषणा हम 12 तारीख को ही करेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी तो हमारा ये है कि बिना ट्रांसफर पॉलिसी के कोई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। सरकार भी कह चुकी है कि पॉलिसी हम बना रहे हैं तो पॉलिसी के हिसाब से, पारदर्शी पॉलिसी बने उसके हिसाब से ही ट्रांसफर होने चाहिए, क्योंकि बिना पॉलिसी के ट्रांसफर जब शिक्षा मंत्री करते हैं, शिक्षा विभाग करता है, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और लगते आए हैं, और कहीं ना कहीं उसमें ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार चलता है किसी भी स्तर पर चलता हो। तो हमारा तो यही निवेदन है कि वो पारदर्शी पॉलिसी बने, जो थर्ड ग्रेड के अध्यापकों के वर्षों से ट्रांसफर नहीं हुए उनके ट्रांसफर खुलें, और जो प्रतिबंधित जिले हैं वो प्रतिबंधित जिला शब्द उनका समाप्त हो, और नए सिरे से नई पॉलिसी बना करके पारदर्शी दृष्टि से शिक्षकों के स्थानांतरण होने चाहिए। जागृति यात्रा का मूल उद्देश्य है कि अपना जो 25 सूत्री मांग पत्र है उसको शिक्षकों के बीच में ले जाना, और अधिक से अधिक शिक्षकों को लेकर के वो रैली में आए और आंदोलन को सफल बनाएं। ये 2 उद्देश्यों को लेकर के जा रहे हैं कि हमारा मांग पत्र सबके समझ में आना चाहिए, और उस मांग पत्र को लेकर के अधिक से अधिक अध्यापक रैली में भाग लें। इन 2 उद्देश्यों को लेकर के जागृति यात्रा निकाली। ये सरकारें बार बार हमें आश्वासन देती हैं, अधिकांश संगठन ये सोचते हैं और कर्मचारी भी सोचता था कि जाते समय आंदोलन किया जाए तो शायद जाते जाते सरकार इलेक्शन के मूड में होगी, कुछ ना कुछ दे देगी, लेकिन हर बार कर्मचारियों ने धोखा खाया, शिक्षकों ने धोखा खाया। इसलिए हमने जुलाई में ही, जैसे गवर्नमेंट उसमें आई थी, हमने मांग पत्र अपना मंत्री महोदय को दिया, सरकार को दिया, और कहा कि इस पर कार्रवाई करें। जैसे 7th Pay Commission है जो हमें नहीं मिल रहा है, उसकी कई बार कमेटियां बन चुकी हैं, कमेटी अपनी रिपोर्ट दे दी उन्होंने, लेकिन ना तो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है ना वो कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाता है। इसलिए हम अब शुरू से ही गवर्नमेंट से चाहते हैं कि हमारी जो मांगें पिछले 10 साल से लंबित हैं उनको पूरा किया जाए, और अगर वो वार्ता करते हैं, मांग मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अन्यथा संगठन आंदोलन करेगा और बड़ा आंदोलन करेगा।